30 मई वकैब सेशन मॉन्क एंड परमाणु में आपका स्वागत है। सबसे पहला जो वर्ड है वो है आउट परफॉर्म। आउट परफॉर्म और आउट शाइन दोनों एक जैसे ही वर्ड होते हैं। आउट परफॉर्म होता है परफॉर्म करना किसी से बेहतर, किसी से अच्छा काम करना, उसको आउट परफॉर्म बोलेंगे। जैसे CSK आउट परफॉर्म SRH लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट के जो मैच में CSK ने क्या किया, अच्छा परफॉर्म किया, किससे, SRH से। आउटशाइन, आउटशाइन का मतलब होता है शाइन मोर ब्राइटली देन, या फिर आउट परफॉर्म का ही मीनिंग होगा बी मच बेटर देन समथिंग इन दैट एरिया, किसी से बेहतर होना। इन CBSE एग्जाम गर्ल्स आउटशाइंस बॉयज़ एवरी ईयर, तो लड़कियां लड़कों से अच्छा करती हैं हमेशा ही। तो एटर्नल वर्ड का मतलब होता है एवर लास्टिंग, फॉर एवर, यानी कि जो हमेशा के लिए रहे या ना मरे या ना ख़त्म हो, उसको बोलेंगे एटर्नल। और नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन वो एक्ट होता है, वो काम होता है जिसमें हम अपने थॉट्स के बारे में सोचते हैं, अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं, सेल्फ का एग्जामिनेशन करते हैं, उसको अपने अंदर झाकर देखते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। अपने अंदर झाकर देखना तथा अपनी इच्छा तथा विचारों को समझना, उसको बोलेंगे हम इंट्रोस्पेक्शन। नेक्स्ट जो वर्ड है वो वर्ड है कमिटमेंट। कमिटमेंट होता है प्रोमिस, ठीक है। इम्पैसे, इम्पैसे हमने पिछले सेशन में भी पढ़ा था, डेडलॉक होता है, ऐसी सिचुएशन होता है जिसमें कोई भी प्रोग्रेस होना पॉसिबल ना, ऑन द मोड, या फिर स्थिति जिसमें आगे बढ़ना मुश्किल हो। और सेवन्थ जो वर्ड है वो है मैवरिक। मैवरिक होता है समवन हु इज़ इंडिपेंडेंट इन बिहेवियर और थॉट्स, जो खुले विचारों का हो, सामाजिक ढकोसलों को न मानने वाला व्यक्ति, उसको हम बोलेंगे मैवरिक। इंडिपेंडेंट इनसोलवेंट यानी कि फ्री माइंडेड, फ्री माइंडेड भी बोल सकते हैं इसको हम, फ्री माइंडेड भी होता है मैवरिक। इम्पैसे होता है डेडलॉक, कमिटमेंट प्रोमिस होता है, इंट्रोस्पेक्शन होता है अपने अंदर झाँक कर अपनी इच्छाओं और अपने विचारों को देखना, एटर्नल होता है एवर लास्टिंग, आउटशाइंस और आउट परफॉर्म दोनों का मतलब होता है किसी से अच्छा परफॉर्म करना या बेहतर काम करना। दैट्स ऑल।